एक हिरन जो यूं ही एग्रेसिवली गुलाटी मारने लगता है, जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। एक बारहसिंघा जिसके चेहरे पर ऐसे घाव है जो कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं लगते हैं। एक हिरन जो टूटी गर्दन होकर भी बड़े आसानी से चल रहा है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब ये अचानक से ऐसे अजीबोगरीब हिरन बारहसिंघा की वीडियो हर जगह स्प्रेड हो रही है। वजह है ये आर्टिकल जिसमें साफ लिखा है कि एक्सपर्ट्स परेशानी में हैं, क्योंकि ये बीमारी एक स्लो मूविंग डिजास्टर है और जल्द ही ये इंसानों में भी फैल सकती है। यप, दिस इज ज़ॉम्बी डियर डिजीज, बट यू डोंट नीड टू पैनिक। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लो कि ये अब एक बार फिर हेडलाइंस में अपनी जगह बना रहा है और इस न्यूज को 2 हफ्ते होने को आए हैं, लेकिन आपके कमेंट्स अभी भी थम नहीं रहे हैं। यू ऑल वॉन्ट कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो पेश है द ब्रेकडाउन ऑफ ज़ॉम्बी डियर डिजीज। Centers for Disease Control and Prevention say a brain-wasting disease that infects deer could possibly be contagious to humans. Tonight, we're looking into how dangerous the zombie deer disease really is. For what some call the zombie disease. Chronic wasting disease, Creutzfeldt-Jakob disease, या mad cow disease, इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है इनका zombie deer disease से connection. ये सारे एक brain disorder है, and they all are basically linked to प्राइंट डिजीज, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ये प्राइंट डिजीज जब गाय को इन्फेक्ट करते हैं तो मैड काउ डिजीज, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं तो वेरिएंट क्रिट्सफेल्ड-जैकब डिजीज, एंड जब डियर को इन्फेक्ट करते हैं तो CWD यानी कि क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज और ज़ॉम्बी डियर डिजीज कहलाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या ऐसा कुछ पहली बार है? तो हाँ भी एंड नहीं भी, कंफ्यूजिंग राइट, बट इट इज व्हाट इट इज। एक तरफ आपको फोर्ब्स जैसी वेबसाइट से ऐसी न्यूज मिलेंगे दैट Everything to know about chronic wasting disease after Yellowstone Park confirmed its first case, जिससे आप में से कुछ को ऐसा लगता है that ये उनका first case है, but instead it actually means कि ये सिर्फ उस particular जगह की पहली case है। इसके अलावा बता दूँ CWD South Korea, Norway, Finland, Sweden, Canada and USA के 29 states में फैल चुका है। इनफैक्ट हर साल ये ऐसे ही न्यूज के साथ आता है that this random फलाना location confirmed its first case, and ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो सर्टेनली ये केस पहली बार नहीं है, ना ही ये सिर्फ किसी एक जगह तक लिमिटेड है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या इससे हमें कोई खतरे की बात नहीं है? तो इसका जवाब है कि हाँ है, बट उस तरीके से नहीं जैसा आप लोग प्रोबेबली सोच रहे हो। ज़ॉम्बी डियर डिजीज सुनते ही हमें ट्रेन टू बुसान का वो सीन याद आ जाता है जिसमें डियर की एक बीमारी इंसानों में फैलने लगती है, एंड वी थिंक कि ऐसा कुछ होगा अगर ये बीमारी इंसानों में आ गई तो, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। यू नो, मंदबुद्धि बालक कभी तुमसे फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, तो ऐसे में तुम्हारा ये जानना बेहद जरूरी है कि ये ज़ॉम्बी डियर डिजीज और ट्रेन टू बुसान में जिस वायरस से ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स होता है बोथ आर डिफरेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ज़ॉम्बी डियर डिजीज की वजह। प्राइंस डिजीज जब हम इंसानों में आती है तो हमें डिमेंशिया, मसल कोऑर्डिनेशन जैसी सैकड़ों बीमारियां देखने को मिलती है। कनेक्शन समझ आ रहा है? हाँ, यही कि इसकी हरकत ज़ॉम्बी से काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी कुछ पहले का याद नहीं रहता, और मसल कोऑर्डिनेशन तो वहाँ भी वीक ही रहती है, विच मेक्स इट ऑलवेज अ हेडलाइन। इन US नो वन वॉज सीरियस अंटिल नाउ, क्योंकि अब ऐसे एक दो केसेस नहीं है बल्कि 800 से भी ज़्यादा हिरन, एल्क एंड मूज के सैंपल में ज़ॉम्बी डिजीज पाया गया है। जब साइंटिस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस मैसिव फिगर तो उन्होंने वार्न किया है ऐसे हिरन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दे मे कम टू हार्म ह्यूमंस sooner or later as it is a slow moving disaster. Scientists ने government को इसके humans में फैलने वाली situation को लेकर prepared and alert रहने को कहा है, क्योंकि ये एक future scenario हो सकता है। चलो खैर, zombie dead disease को तो हम जान गए हैं, पर अब बात करते हैं इसकी history की, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। US Geological Survey की माने तो सबसे पहले ये बीमारी 1967 में Colorado Research Facility में एक हिरन में मिली थी, एंड 1981 में वाइल्ड डियर में। इसके बाद 1990s में इसके केसेस नॉर्दर्न कोलोराडो एंड साउदर्न व्योमिंग के सराउंडिंग एरियाज में मिलने लगे थे। 1997 में जब पता चला कि क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज की असली वजह प्राइंस डिजीज है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड कि जितने भी प्राइंस डिजीज को फैलाने वाले एजेंट्स हैं उन्हें ह्यूमन फूड चेन एंटर करने से रोकना चाहिए, सो दैट ये फर्दर इन्फेक्ट ना कर सके। 2000 से वो एरिया जो CWD से अफेक्टेड रहते थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के 31 से भी ज्यादा स्टेट्स में हो गए, मतलब कि सालों साल तक अब ये जगह न्यू मैमल्स के लिए भी डेंजरस रहेंगी, क्योंकि इन्फेक्शन इन जगहों में मौजूद रहेगा।
वैसे बता दूं CWD के एक बार फैलने के बाद उसे एनवायरनमेंट से इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सालों साल तक डर्ट सर्फेसिस में रह जाते हैं और 600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में इसका इफेक्ट रहता है, जिस वजह से इसका कहीं भी फैलना बहुत कन्वीनियंट रहता है। ज़ॉम्बी डेयर डिजीज भी चूंकि एक ज़ूनॉटिक डिजीज है तो ये हमेशा ही एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ थ्रेट पोज करता है, लाइक इन्फ्लुएंजा, मर्स जो कैमल से आया था, या रेबीज जो कि कुत्तों से ह्यूमंस में आता है। खैर रेबीज पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे इसके ज़ॉम्बीफाइड केसेस सामने आ रहे हैं, तो अगर उस वीडियो को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाद में देख लेना। चलो अब आते हैं इस बात पर कि हाउ डज इट स्प्रेड। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू ज़ॉम्बी डियर डिजीज फैलते हैं। नंबर 1, बॉडीली फ्लूइड्स लाइक ब्लड, सलाइवा और यूरिन। नंबर 2, थ्रू एनवायरमेंटल कंटामिनेशन लाइक सॉइल, फूड। नंबर 3, थ्रू कार्कसेस और डेड बॉडी। एंड 4, ईटिंग इन्फेक्टेड एल्क और डियर। एक बार अगर कोई हिरन इससे अच्छे से इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसका मरने के सिवा कोई और दूसरा चारा नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई भी वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और पिछले कई सालों से फैलने के बावजूद भी अभी तक इसका कोई क्योर नहीं बना है। तो बताना मुश्किल है कि इसका ट्रीटमेंट अब कब बनेगा या फिर कभी बनेगा भी या फिर नहीं, लेकिन प्रिपेयर्ड रहने में कुछ भी गलत नहीं है। सो अगर तुम्हें ज़ॉम्बी डेयर डिजीज के बारे में और उससे जुड़े कुछ रियल इंसिडेंट्स के बारे में जानना है जब वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके थे, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।